केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट लेकिन जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं किए गए उनमें से ज्यादातर ये तीन पॉइंट अपने रेज कर रहे हैं कि कट ऑफ हाई क्यों रही दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे लेकर के नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ और हुआ तो कैसे हुआ है अगला पॉइंट मार्क्स कम हुए ज्यादा तो पहले हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं नंबर जो है वो कम भी हुए हैं और ज्यादा भी हुए हैं नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको अपनाया गया है और उसी के बाद में नंबर कम भी हुए हैं और ज्यादा भी हुए हैं अब किसके कितने नंबर कम हुए हैं और किसके कितने नंबर बढ़ाए गए हैं ये तो अलग अलग कैंडिडेट के माध्यम से ही हमें और आपको सभी को पता चल सकता है तो आप जितने भी कैंडिडेट एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक बार प्रयास करें आपस में बातचीत करने की रोज स्कोर और स्कोर आफ्टर आप लोगों को पता चल सके ताकि आपको यह पता चल पाए कि किस शिफ्ट के अंदर कितने नंबर किसके बढ़े हैं किसके घटे हैं है ना तो इस चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग इन सब चीजों को नहीं समझेंगे डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए एक अच्छी तैयारी फिर हम अपनी नहीं, नहीं कर पाएंगे लेकिन अब यहां पर कट ऑफ हाई रही उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या कोई रोल है बिल्कुल रोल है नॉर्मलाइजेशन का उसमें रोल है और जो बच्चों का स्कोर कम और ज्यादा हुआ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसमें क्या किस तरीके से तरीका अपनाया सीबीएसई ने केवीएस ने उस पर क्लैरिफिकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है हम यहां पर देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हुई है उसमें क्या सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही शामिल किया गया क्या इसके अंदर सिर्फ डिप्लोमा वालों को क्योंकि जो डिप्लोमा वाले हैं वही अब प्राइमरी टीचर बन रहे हैं या फिर बीएड वालों का भी स्कोर इसमें ऐड किया गया बीएड वालों का भी स्कोर इसमें रखा गया और बीएड वालों का स्कोर इसमें रखकर अगर नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो यह क्यों किया गया जब बीएड वाले बाहर कर दिए हैं तो फिर उनको उनके स्कोर के साथ में ही साइड किया जाना था इन बच्चों के साथ में इतना बड़ा धोखा अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है जो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे ही नहीं है उनके भी स्कोर को आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि बीएड वालों का स्कोर ज्यादा था कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने वाकई में अच्छा स्कोर किया था डिप्लोमा वालों से ज्यादा स्कोर किया है डिप्लोमा वालों का स्कोर भी कम नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे बीएड वाले बच्चे थे जिनका स्कोर ज्यादा था तो उसका इंपैक्ट जरूर आया होगा तो इस पर क्लैरिटी अगर सीबीएसई केवीएस दोनों में से किसी की भी ओर से आ जाए तो सभी को एक शांति मिलेगी सभी को उसके बाद में अपने लेवल पर काम करने में आसानी होगी कि आखिरकार कमियां कहां पर हुई हैं कहां पर क्या गलतियां रह गई हैं जो इंटरव्यू के लिए बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए वो अपने भविष्य की तैयारियां कर सकेंगे दुख होता है कष्ट होता है मेहनत करते हैं और उसके बाद में बच्चे जब कुछ पॉइंट से रह जाते हैं तो तो एक बार केवीएस को इस पर सोचना चाहिए बाकी सब काम एक तरफ है एक और है लेकिन उसके साथ साथ उन बच्चों को लेकर के भी सोचना जरूर चाहिए जिनके मन में ढेरों सवाल रह जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ है तो कैसे हुआ है जो सफल हो चले हैं वो तो अब अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे लेकिन जो नहीं हो पाए सफल उनके मन में तो ढेरों सवाल होंगे ना ढेरों सवाल होंगे जरूरी है सबका सोचना जरूरी है